एक, दो, तीन, चार या पांच गोले नहीं, 200 गोले। दक्षिण कोरिया में सारी रात सायरन बजता रहा। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास 200 गोले बरसाए हैं। इस हमले के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव चरम पर है। छानी दुश्मन ये दोनों देश युद्ध की आग में जलने लगे तो बहुत ताज्जुब की बात नहीं होगी। वर्षों से किम जोंग उन आंखों में सपना बुनते और उत्तर कोरिया की फैक्ट्रियों को हथियारों से भरते। दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध लड़ने की इच्छा में जिए जा रहे हैं। उत्तर कोरिया के दानाशाह किम जोंग उन ने बहुत चालाकी के साथ दक्षिण कोरिया के खिलाफ हमला बोल दिया। 북한군은 오늘 09 시경부터 11 시경까지 백령도 북방 장산곶 일대와 연평도 북방 등산곶 일대에서 200여 발 이상의 사격을 실시하였습니다. 이로 인한 우리 국민과 군의 피해는 없으며 탄착 지점은 NLL 북방 일대입니다. 우떨 코리아의 골로키 아와즈에 세메 덕션 코리아네 바드라 레네키 덤키 디헤. दक्षिण कोरिया में इस वक्त किम जोंग उन के खिलाफ अटैक की कैसी तैयारी चल रही है, ये देखने से पहले ये देखना जरूरी है कि इन 200 गोलों से हुए हमले की डिटेल क्या है। जिसने कोरियाई प्रायद्वीप को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। दक्षिण कोरिया रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उत्तर कोरियाई सेना ने सुबह लगभग 9 बजे से 11 बजे तक बैंगनी ओंग द्वीप के उत्तरी भाग में जांगसन गोट और योएन पयोंग के उत्तरी क्षेत्रों में 200 से अधिक राउंड गोलीबारी की। किम जोंग उन के इस हमले वाला एक भी राउंड दक्षिण कोरिया की सरहद के भीतर नहीं आया, लेकिन दक्षिण कोरिया ने योएन पयोंग के करीब 2000 स्थानीय लोगों से इलाका खाली करा लिया है। दक्षिण कोरिया पर यह हमला उत्तर कोरिया ने पहली बार नहीं किया है, लेकिन अब की बार जिस कारण से किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया है वो पहले के हमले के कारणों से अलग है। इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। दक्षिण कोरिया का ये ओन प्योंग द्वीप पीले सागर में है। ये इंचियोन से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में और उत्तर कोरिया के वांगे प्रांत के समुद्र तट से 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। उत्तर कोरिया ने जानबूझकर इस इलाके को हमले के लिए चुना है। उत्तर कोरिया ने दलील दी है कि अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए तोप से गोले दागने का अभ्यास किया। सरकारी मीडिया ने कहा कि यह कदम नए हथियारों की जांच के तहत उठाया गया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर प्योंगयांग अपने खिलाफ अपनाई जा रही दुश्मन की नीति त्यागने का दबाव बनाए हुए है। उत्तर कोरिया के दानाशाह किम जोंग उन का पिछले हफ्ते का वो बयान याद कीजिए जिसमें कहा गया था कि वो दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगी अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया जितना उछल रहा था उतनी ताकत असल में उसके पास है ही नहीं। जब बात अमेरिका और दक्षिण कोरिया के गठजोड़ की हो रही हो, सवाल है फिर किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ इतने गोले क्यों दाग दिए? दौड़ते टैंकों और छूटती गोलियों का यह मंजर दक्षिण कोरिया का है। अमेरिकी फौज और दक्षिण कोरिया की फौज युद्धाभ्यास में जुटी है। यह युद्धाभ्यास किसके खिलाफ अपनी तलवार पर सान चढ़ाना है पूरी दुनिया को पता है। किम जोंग उन दोनों देशों के इस युद्धाभ्यास से बौखला गए हैं। रूस को हथियार सप्लाई के बाद पुतिन का साथ मिलने की उम्मीद में युद्ध लड़ने को किम जोंग आतुर है। सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल युद्ध के बाद अब क्या? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया युद्ध में कूद रहे हैं। किम जोंग उन का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर रहा है। किम जोंग उन वो नेता हैं जो देश के गोदामों में गेहूं नहीं हथियार भरना चाहते हैं। देश भूखा मरे तो कोई गम नहीं, दुनिया को अपनी औकात दिखाते दिखाते उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था रसातल की ओर जा रही है।
लेकिन बम, तोप और गोलों को बनाने में कोई कमी नहीं आ रही है। किम जोंग उन के हमले के बाद दक्षिण कोरिया ने क्या एक्शन लिया है, इसे विस्तार से आगे दिखाएंगे। दक्षिण कोरिया की सेना के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ्स ने कहा है कि बफर जोन में बमबारी कर उत्तर कोरिया ने दोनों देशों के बीच 2018 में किए गए समझौते का उल्लंघन किया है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के इस अभ्यास को उकसाने वाला बताया। हाल ही में साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव को कम करने के लिए समझौते हुए थे, लेकिन अब 200 गोले दागने के बाद जाहिर है यह समझौता खत्म हो चुका है। दिसंबर 2022 में भी उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरियाई सीमा से सटे समंदर में बम बरसाए थे। वर्ष 2010 में भी किम जोंग उन ने योन पियोंग द्वीप पर हमला किया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की आंखों में दक्षिण कोरिया और अमेरिका की दोस्ती कांटे की तरह चुभती है। किम जोंग उन के रास्ते में यही दोनों देश सबसे बड़ी दीवार भी है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया ने जितनी मिसाइलों की टेस्टिंग की है, उनमें से 80% मिसाइलों का मुंह अमेरिका की ओर है। उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम का पहला ध्येय ही है अमेरिका के हर शहर को अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में लाना। नए साल के मौके पर भी किम जोंग उन ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया टकराव का रास्ता चुनते हैं तो उन्हें झटके से और बिना किसी हिचकिचाहट के साथ नष्ट कर देना चाहिए। ये दोनों देश कोरियाई प्रायद्वीप में संघर्ष को भड़काना चाहते हैं, लेकिन इसके अंजाम से बेखबर है। किम जोंग उन ने पिछले 2 सालों में परमाणु हमला करने में सक्षम दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। इनमें से कुछ मिसाइलें तो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। इन मिसाइलों की ताकत को लेकर कई एक्सपर्ट भी चिंता जता चुके हैं। स्पष्ट तौर पर नहीं, लेकिन कहा जाता है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार सक्षम देश है। अगर सच में ऐसा है तो ये बात पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर कोरिया क्यों पड़ा है अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया को नेस्तनाबूद करने के पीछे। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1953 से। 1953 में दरअसल दोनों कोरियाई देशों के बीच युद्ध खत्म जरूर हो गया, लेकिन उत्तर कोरिया ये कभी भुला नहीं सका कि युद्ध में आखिर क्या हुआ था। 1968 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या की नाकाम कोशिश की थी, और 1983 में म्यांमार में एक धमाके का मामला सामने आया। इसमें 17 दक्षिण कोरियाई नागरिक मारे गए थे। इस धमाके के तार उत्तर कोरिया से जोड़े गए। वैसे ये बहुत क्लियर समझ लेने की जरूरत है कि दोनों देशों ने तकनीकी तौर पर 1953 में युद्ध खत्म होने के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों अब भी युद्ध की स्थिति में बने हुए हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की लड़ाई का अंत किम जोंग उन के रहते होते नहीं देखता। दक्षिण कोरिया के सामने ये बात शीशे की तरह साफ है। अब सवाल है, तो दक्षिण कोरिया के पास खुद को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका जैसी शक्ति से मिले रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता? ये बात 16 आने सच है कि दक्षिण कोरिया के पास जब तक अमेरिका वाला विकल्प बचा रहता है, किम जोंग उन हमले तो करेंगे लेकिन बेहद सचेत होकर, क्योंकि दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 28,500 सैनिक कोरिया युद्ध के बाद से हमेशा तैनात रहते हैं। 28,500 इनकी संख्या है, और अमेरिकी दक्षिण कोरिया को एशिया में सबसे खास सहयोगी मानता है। उत्तर कोरिया और चीन के बीच 1961 में एक संधि हुई, जिसमें कहा गया कि अगर चीन और उत्तर कोरिया में किसी भी देश पर हमला होता है तो दोनों देश तुरंत एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और इधर रूस भी पर्दे के पीछे से हमेशा उत्तर कोरिया को सहयोग करता रहता है। यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस और चीन दोनों से अहम मदद आपूर्ति के तौर पर मिल रही है। बदले में उत्तर कोरिया रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। यह बहुत बड़ा कूटनीतिक खेला आपको समझना होगा। दुनिया के देशों की दो नई खेमेबंदी आप देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि युद्ध के असली खिलाड़ी असल में अमेरिका और रूस हैं। अमेरिका यूक्रेन के साथ है तो रूस यहाँ उसके खिलाफ खड़ा है। अमेरिका इजराइल के साथ है तो रूस ईरान के साथ दिख रहा है। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ है तो रूस उत्तर कोरिया का समर्थन करता दिख रहा है। अमेरिका ताइवान के साथ है तो रूस जाहिर तौर पर चीन के साथ है। मतलब दुनिया एक और युद्ध के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और ये युद्ध भी एशिया में ही होगा।